शिवपुरी के खनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम गुडन में महिला के घर में युवक घुसकर बलात्कार की धमकी दे आया। वहीं पति ने भी मौके पर आया और उससे मारपीट कर दी, जिसके बाद महिला ने आज एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार खनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम गुडन में रहने वाली महिला ने आज एसपी को आवेदन दिया है। उसने बताया कि 19 अक्टूबर की सुबह 8 बजे महिला हैंडपंप से पानी भरने जा रही थी, तभी गांव के युवक महेश केवट ने उसके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दी। वहीं जब उसका पति भी मौके पर आया तो उसने दोनों से मारपीट की और महिला का गला भी दबा दिया, जिसके कारण महिला को गले में चोट आई है। वहीं खनियाधाना थाना पहुँच कर महिला ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। मारपीट की धाराओं में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, जिसके बाद आज 20 अक्टूबर सुबह गांव का महेश केवट महिला के घर आया और महिला से बोला कि आज तो मैं तेरा बलात्कार करूंगा, जिसके बाद मौके पर पति आया तो मारपीट शुरू कर दी और बच्चों को भी खतरा बना रहता है, जिसके बाद महिला ने एसपी शिवपुरी आकर न्याय की गुहार लगाई है। मैं इसलिए आई हूँ कि मेरी कोई सुनवाई नहीं है खनियाधाना थाने में। मैंने कल भी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। मेरे साथ ये हुआ था सुबह 8 बजे कि मुझे एक मेरा पड़ोसी है उसने मारा, उसका नाम महेश है, उसने मुझे बहुत जोर से मारा। यहाँ पे देखो ये गले में भी एक ऐसे पकड़ लिया मुझे और मेरी चोटी भी पकड़ ली, मेरे पास वीडियो भी है उसका। मारने का कारण क्या था? मारने का कारण ये है कि मैं पानी भरने जा रही थी, पानी भरने के बाद वो गाली गलौज करने लग गया। मैं उनके यहाँ तो कोई भी नहीं है, किसको गाली दे रहा है तू, उतने में ही आया वो यहाँ पे ब्लाउज पकड़ लिया मेरा, फिर इसके बाद में गला पकड़ लिया यार, छोड़ा तो यहाँ पे पकड़ा सीधा मारने ही लग गया। इतने में मेरे कोई बच्चा गया दौड़ के घर पे, तो उस समय जेठ और जेठानी थे, ये तो काम पर गए थे, उनको ले लेके लिवा के आए तो उनने बचाया मुझे। फिर उसके बाद में रिपोर्ट करने गई खनिया थाना में, वहाँ पे रिपोर्ट की तो वहाँ से 2 पुलिस वाले गए गाड़ी से गुड़ा तक, बस घूम घाम के भाग गया। वहाँ पे पता नहीं मिला या नहीं मिला, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो बेहोश हो गई थी थाने में। आगे कार्रवाई नहीं हुई।